आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे ग्लव सिलेक्शन गाइड। ग्लव सिलेक्शन गाइड क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे केमिकल पर काम करते हैं, किस इंडस्ट्री में काम करते हैं और उसमें आप अपने प्रोटेक्शन के लिए, स्पेशली आप हैंड के, हाथों के प्रोटेक्शन के लिए किस प्रकार के ग्लव्स के का आप यूज कर रहे हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम जो फीडिंग कर रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, हमारे सारी एनर्जी के सोर्सेस हाथों के द्वारा ही हमारे बॉडी में जाती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो हजारस केमिकल्स हैं, खतरनाक केमिकल्स हैं, उसको यदि उससे यदि हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम अपने हाथों को सेफ रखें। हाथ यदि दोस्तों आपने सुना होगा कि यदि जान है तो जहान है, इसी प्रकार से जान तभी रहेगा जब आपके हाथ सुरक्षित होंगे। और आपके हाथ कब सुरक्षित होंगे, जब आप जिन केमिकल्स को यूज करें उन केमिकल्स को अपने हाथों के कॉन्टेक्ट से आप दूर रखें। क्या ये संभव है कि यदि हम केमिकल को हाथों से यूज करें, हाथों का यूज करके केमिकल्स रिएक्शन, अलग अलग प्लांट्स में हम काम करते हैं, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, हाथों से काम किया जाता है, तो हाथों को केमिकल से कैसे दूर किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि आप अपने हाथों को केमिकल से दूर रख सकते हो, हाथों और केमिकल के बीच एक लेयर बना के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्लव्स का। ग्लव्स हम मानव जीवन में जब से इसका आविष्कार हुआ है, जब से इसका मानव जीवन के साथ ही जुड़ा हुआ है, तब से लाखों करोड़ों की संख्या में मानव को बचा चुका है। तो इंसानों के जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कारिक अगर कोई पदार्थ है तो केमिस्ट्री की दुनिया में मैं मानता हूँ कि वो है ग्लव्स का आविष्कार। ग्लव्स का आविष्कार कैसे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, ये तो उपयोगी है इसका आविष्कार हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ग्लव्स का सिलेक्शन करना। इसे किसी ने कहा है कि इंसान को 2 साल में बोलना आ जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये पूरी ज़िंदगी शायद सबको नहीं आ पाता है। ठीक वैसे ही ग्लव्स का आविष्कार हुआ, हमें मालूम है कि ग्लव्स से हमें खुद को बचाना है, लेकिन किस प्रकार के ग्लव्स का, किस केमिकल्स के रेजिस्टेंट के लिए हमें यूज करना है, इसका सिलेक्शन भी हमें आना चाहिए। मैंने ढेर सारे एक्सपीरियंस लोगों को जो 25-25 साल से 30-30 साल से रिएक्शन में लेबोरेटरी में काम करें उनको देखा है कि ढेर वे बहुत ज़्यादा मनमानी या इवन ये हम कह सकते हैं कि वे लापरवाह होते हैं। उनको लगता है नहीं, मैंने तो 15-20 सालों से केमिकल को यूज किया तो मेरा ग्लव से मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो बहुत ही जी है। जी नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम ईश्वर की बनाई हुई एक बहुत अमूल्य रचना है। हमारा यह काम होना चाहिए कि हम खुद को बचाएं, अपने परिवार को सेफ रखें, अपने इस देश को और अपने इस धरा में हम एक विशेष प्रकार के मानव जाति हैं, तो हमें खुद को सुरक्षित रखना होगा। चलिए, ये रहा इसकी भूमिका। हम भूमिका को छोड़ते हुए अब हम बात करते हैं सीधे आज के टॉपिक का, यानी ग्लव सिलेक्शन गाइड। सबसे पहले ग्लव का सिलेक्शन किस बेस पर किया जाना चाहिए, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे फैक्टर्स होते हैं केमिकल टाइप्स, किस प्रकार के केमिकल का आप यूज कर रहे हो, इसके अलावा आप कैसे टेम्परेचर का यूज कर रहे हो, क्रायोजेनिक प्रॉपर्टी उसके क्या क्या है अगर वो क्रायोजेनिक मटेरियल है तो, इसके अलावा आपको उसके फिजिकल हजार्डनेस के बारे में देखना होगा, वो न्यूक्लिया है कहीं, वो आप उसको यूज कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसे नुकीले मेटल्स को आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास कैसे ग्लव्स होने चाहिए। आपको पीएच के बारे में, टॉक्सिसिटी के बारे में और इसके साथ साथ जैसे जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिनको बैक्टीरिया का कॉलोनी बना रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, उनके लिए अलग प्रकार के ग्लव्स होते हैं। आइए हम समझते हैं कि ग्लव्स का यूज कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो एक्सीडेंटल स्प्रेस होते हैं, कोई केमिकल अगर बिखर जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाता है, उस कंडीशन में यदि केमिकल बिखर जाते हैं तो वहाँ आपको सीधे केमिकल को टच नहीं करना है। वो केमिकल हजार्डस हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, इवन कि आपकी डेथ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट आपके हाथों के साथ हो सकता है। इन सारे कंडीशनों में, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ग्लव्स के बारे में ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें, एक नोट्स बनाया हूँ, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि ग्लव्स का जो टाइप्स होना चाहिए, ग्लव्स को सबसे पहले हमें ध्यान देना है जो ग्लव्स हम यूज कर रहे हैं वो डिस्पोजेबल होना चाहिए। क्यों? यदि खासकर यदि आप केमिकल पर काम कर रहे हो, अगर वो उस पर केमिकल कुछ कॉन्टेक्ट में आ गया तो उस ग्लव्स को आपको डिस्पोज करना है, रीयूज नहीं करना है। ठीक है, इस आधार पर देखा जाए तो नाइट्राइल ग्लव्स होते हैं जो ब्लू कलर के जल्दी होते हैं। इसके अलावा
आपने आपने नाइट्राइल ग्लव्स के अलावा लेटेक्स ग्लव्स देखा होगा जो व्हाइट कलर के होते हैं। जनरली इसको हम देखते हैं बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में। ग्लव्स का जो यूज होता है, ग्लव्स को यूज करने से पहले हमें ये देखना चाहिए क्या वो फंक्शनल तो नहीं है, उसमें किसी प्रकार का छेद तो नहीं है। आप इसके लिए माउस से उसको फुला के देख सकते हैं, अगर कोई फंक्शन होगा तो एयर पास हो जाएगा, वो फूलेगा नहीं। इसके अलावा आपको समय समय पर ग्लव्स को रिप्लेस करना है, जो उसमें कुछ केमिकल्स लगे हुए हैं तो आपको रीयूज करते समय आपके हाथों में, इवन कि आपके बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी लग सकते हैं। तो इसलिए आपको समय समय पर ग्लव्स को, जैसे उसमें केमिकल्स ज्यादा लगते हैं, केमिकल्स लगते हैं, आपको लगता है आप इसको यूज करने लायक नहीं है, उसको आप तुरंत आप उसको डिस्पोज कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। उसके अलावा ग्लव्स को कभी वॉश नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है। और डिस्पोजेबल जो ग्लव्स है उनका यूज नहीं करना है। हमेशा ग्लव्स को किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट को, जैसे आप सीढ़ियों पर डोर को, मोबाइल को अगर आप टच करने जा रहे हैं तो यदि आप ग्लव्स पहने तो ग्लव्स को निकाल दीजिए, क्योंकि आप जाने अनजाने में, लापरवाही में बहुत बड़े मिस्टेक करने वाले हैं, जो अभी तो पता नहीं चलेगा लेकिन आने वाले अगले 5-10 सालों में उसका धीरे धीरे इफेक्ट आपके बॉडी पर, आपके फैमिली को भी अफेक्ट कर सकता है। तो कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने फैमिली, अपने परिवारजनों के लिए आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। अब ग्लव्स के लिए हमें एक चीज ध्यान देना है कि नाइट्राइल ग्लव्स हमें किन किन ग्लव्स का यूज करना है। तो जैसे मैंने एक टाइप ऑफ ग्लव्स में यदि बात करें तो हम यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं, कुछ ग्लव्स का सिलेक्शन हमें करना है, कैसे ग्लव्स का। तो हम जनरली जो यूज करते हैं वो लेटेक्स ग्लव्स आपने यूज किया होगा, अगर बायोलॉजिकल डॉक्टर को आपने देखा होगा सर्जिकल ग्लव्स जो यूज करते हैं वो लेटेक्स ग्लव्स होता है। ये वैसे तो देखा जाए बायोलॉजिकल और वाटर बेस्ड मटेरियल के लिए सबसे अच्छा होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए बहुत ही खराब होता है। दूसरा, इसमें केमिकल प्रोटेक्शन कम से कम इससे होता है। तो यदि आप केमिकल लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो लेटेक्स ग्लव्स का यूज बिल्कुल ना करें, ठीक है। इसके अलावा इससे अगर पंक्चर, इसको मुश्किल होता है पंक्चर करना है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और अगर एलर्जिक प्रॉब्लम किसी को है लेटेक्स से तो उनको भी इसका यूज नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे वर्सेटाइल ग्लव्स, नाइट्राइल ग्लव्स। नाइट्राइल ग्लव्स 8 से 10 रुपए, 4 से 5 रुपए पेयर्स, अलग अलग रेट के होते हैं, क्वालिटी पर डिपेंड करता है। ये बहुत ही जनरली यूज होने वाले ग्लव्स होते हैं, सारे सॉल्वेंट्स के लिए, मोस्ट ऑफ सॉल्वेंट के लिए बहुत अच्छा होते हैं। सिलिकन ऑयल्स, ग्रीस के लिए और एसिड और बेस के लिए, मोस्ट ऑफ एसिड और बेस के लिए नेचुरल ग्लव्स बहुत अच्छा होता है। अगर जैसे ही इसमें ये डिग्रेड होता है, खराब होता है, आपको कलर चेंज दिखने लगता है, कलर चेंज होते ही आप समझ जाते हैं कि अब इस ग्लव्स को हमें चेंज करना चाहिए। इसका इंडिकेशन आप आसानी से समझ सकते हैं। ये जिनको लेटेक्स ग्लव से एलर्जी है उनके लिए बहुत ही अच्छा एक अल्टरनेटिव ग्लव्स होते हैं। इसके अलावा ब्यूटाइल ग्लव्स की बात करें, ब्यूटाइल रबर से जो ग्लव्स बनता है इसका यूज आप कीटोल्स और एस्टर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और लेकिन ये गैसोलीन, एलिफैटिक, एरोमेटिक और हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए बहुत ही खराब माना जाता है, मतलब बेंजीन, टॉलुइन, इसी प्रकार एथेनॉल, मेथनॉल, इन सारी चीज़ों के लिए ब्यूटाइल रबर के ग्लव्स बहुत ही खराब माने जाते हैं। तो मोस्टली एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर के लिए ब्यूटाइल रबर ग्लव्स का यूज किया जाता है। अगले ग्लव्स की बात करें तो नियोफ्रेन ग्लव्स, ये भी एक प्रकार से रबर का रबर से बना होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। एसिड, बेस, एल्कोहल, फ्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन हेलोजिनेटेड और एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए इस ग्लव्स का, नियोप्रिन ग्लव्स को यूज नहीं करना चाहिए। ये हजारडस केमिकल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जनरल जैसे मैं यहाँ पर हेलोजिनेटेड, स्पेशली हेलोजिनेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूँ, टॉलविन और बेंजिन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। नॉर्फॉयल ग्लव्स, इसको हजारस केमिकल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, चमकीला सा ग्लव्स होता है और ये, लेकिन इसका फिटिंग बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक जनरल आइडिया बताया कुछ ग्लव्स के बारे में। इसके अलावा अगर हीटिंग मटेरियल्स है तो कपड़े का बना ग्लव्स आता है, उसके द्वारा
आप हीटिंग मटेरियल्स को टच कर सकते हैं, वैसे आप लेटेक्स नाइट्राइल ग्लव्स इन सब का यूज, इन सब को पकड़ के, इन सब को पहन के आप हीटिंग मटेरियल्स को, हीटिंग ग्लासवेयर्स को आपको टच नहीं करना है, आपके बॉडी के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए लेबोरेटरी में काम कीजिए। मेरी ढेर सारी गुड विशेस है कि आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने काम से, अपना, अपनी कंपनी का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का और इस भारत देश का अपना आगे बढ़ाते रहें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस श्लोक के साथ मैं इस एपिसोड का समापन करता हूँ। फिर से एक बार फिर आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। आप सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें।